अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं अब्दुल वहीद मक्का लाइफ आया था। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, मैं इस वक्त मस्जिद अल हरम में मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उस मस्जिद अल हरम की उस साइड का ये नज़ारा है जहाँ से इमाम साहब हरम शरीफ के अंदर दाखिल होते इमामत कराने के लिए, फिर उसके बाद वहीं से निकल के फिर वो चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस गेट का नाम है बाबा इस्माइल, इस्माइल गेट है ये नाम। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत, कितना तेज़ काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब ये मार्बल लगा है, जितना भी सब ये लगा है सब मार्बल लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस गेट का नाम है इस्माइल गेट, बाबा इस्माइल। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ज़ोरों शोरों से काम हो रहा है, बड़ा खूबसूरत काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी गेट से इमाम साहब हरम शरीफ के अंदर दाखिल होते हैं, इमामत करा के फिर इसी से बाहर वापस होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत काम हो रहा है, कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। ये सारा मार्बल है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा मार्बल लगा हुआ है। बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है कि देखिए, अंदर कमान के अंदर फिर कमान बनी हुई है। चलिए आपको मैं वो जगह दिखाता हूँ जहाँ से इमाम साहब हरम शरीफ में दाखिल होते हैं, फिर वहीं से निकल के फिर वहीं पे चले जाते हैं इमामत कराकर। आप देख सकते हैं ये गेट जो लगी हुई है, ये गेट जो बनी हुई है, यहाँ से इमाम साहब अंदर दाखिल होते हैं हरम शरीफ के अंदर। यही गेट से निकलते हैं, फिर यही गेट में दाखिल होते हैं अंदर। यहीं से इमाम साहब आते हैं हर दिन इमामत के लिए, फिर यहीं से अंदर चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी कंट्री के जो बड़े रईस आते हैं, जो भी रईस आते हैं, उनको इसी में रोका जाता है, इसी से वो हरम शरीफ में दाखिल होता है, फिर इसी से हरम शरीफ के अंदर चले जाते हैं। ये वो जगह है, ये